नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे माय गुड राइट हैंड पोइम की। ये जो पोइम है वो चार्ल्स मैकी के द्वारा लिखी गई थी। चार्ल्स मैकी एक स्कॉटलैंड की पोइट थे जिनका जन्म 27 मार्च 1814 को हुआ था और इनकी मृत्यु 24 दिसंबर 1889 को हुई थी। ये एक पोइट थे, जर्नलिस्ट थे, ऑथर थे और नॉवेलिस्ट थे। इन्होंने बहुत सारे सॉन्ग्स भी लिखे थे। तो इस पोएम के बारे में स्टार्ट करते हैं। माई गुड राइट हैंड, यहाँ पे माई गुड राइट हैंड का लिटरली मीनिंग तो होगा मेरा अच्छा दाहिना हाथ, बट इसका जो सिंबॉलिक मीनिंग है वो होता है हार्ड वर्क। क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द वर्क जो किया जाता है दुनिया में लोगों के द्वारा वो राइट हैंड से किया जाता है, और राइट हैंड से हम हार्ड वर्क ही करते हैं। जब हमारे सामने सिचुएशन विपरीत होती है या कुछ हम अचीव करना चाहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन पोइट के सामने थी जब लोगों ने उसकी हेल्प करने से मना कर दिया और वो ऐसा स्ट्रगल कर रहे थे या मिजरी में थे। तो चलिए इस पोइम को शुरू करते हैं। आई फेल इन टू ग्रीव, मैं दुख में गिर गया, एंड बिगेन टू कंप्लेन, और शिकायत करना शुरू कर दी। ग्रीव का मीनिंग होता है सैडनेस, दुख, ये मिजरी। कंप्लेन का मीनिंग होता है शिकायत। मैं दुख में गिर गया और मैंने कंप्लेन करना शुरू कर दी, मैंने शिकायत करना शुरू कर दी। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड, मैंने एक दोस्त की तलाश की ताकि वह उस दुख से उसको निजात दिला सके या दुख में उसकी हेल्प कर सके। बट आई सॉट हिम इन वैन, परंतु मैंने व्यर्थ ही उसको तलाश किया। इन वेन का मीनिंग होता है व्यर्थ में, ये फ्रेज है, और सोट का मीनिंग होता है तलाश किया, टू सर्च। कंपेनियंस वर्साई, जो मित्र थे, कंपेनियन का मीनिंग होता है साथी, फ्रेंड्स। वर्साई, वो साई थे, शर्मिले थे, शर्म आ रही थी उनको उसकी हेल्प करने में, या फिर वो संकोच कर रहे थे उसकी हेल्प करने में। तो कंपेनियंस वर्साई, जो साथी थे वो संकोची थे या शर्मीले थे। एंड एक्वेंटेंस वर कोल्ड, और जो परिचित लोग थे, एक्वेंटेंस का मीनिंग होता है नोन, जानकार लोग। जो जानकार लोग थे वो इनडिफरेंट थे, वो कोल्ड थे। कोल्ड का मीनिंग यहाँ पे है भाव शून्य, जिनमें कोई भावना ही नहीं हो किसी के प्रति, वो भाव शून्य थे या असंवेदनशील थे पॉइंट की जो प्रॉब्लम्स थी उनको लेकर। दे गेव मी गुड एडवाइस, काउंसिल, उन्होंने मुझे अच्छी सलाह दी। काउंसिल का मीनिंग होता है सलाह, सजेशन या एडवाइस। बट ड्रेडिड देयर गोल्ड, परंतु अपना सोना देने से डर गए। ड्रेड का मीनिंग होता है डर जाना, और देयर गोल्ड, गोल्ड का मीनिंग यहाँ पे मनी, पैसे, और अपना पैसे देने से वो डर गए। लेट देम गो आई एक्सक्लेम्ड, मैंने चिल्ला के कहा। एक्सक्लेम का मीनिंग होता है टू से समथिंग, क्राइंग, चिल्लाते हुए कुछ कहना। लेट देम गो, उनको जाने दो। आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड, मेरी तरफ भी एक दोस्त है, मेरी साइड में भी एक मेरा दोस्त है। टू लिफ्ट मी, मुझे ऊपर उठाने के लिए, उस किस चीज से ऊपर उठाने के लिए, ये जो ग्रीफ वाली सिचुएशन है, जो मिजरी वाली सिचुएशन है, उससे उसको ऊपर उठाने के लिए। एंड एड मी, एड का मीनिंग होता है हेल्प करना, मदद करना, और मेरी मदद करने के लिए। वॉट एवर बिटाइड, चाहे जो कुछ भी हो, वॉट एवर जो कुछ भी, बिटाइड का मीनिंग होता है टू हैपन, होना, चाहे कुछ भी हो। लेट देम गो आई एक्सक्लेम्ड, मैंने चिल्ला के कहा कि उनको जाने दो। मेरी तरफ भी मेरा एक दोस्त है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ऊपर उठाने के लिए और मुझे मेरी हेल्प करने के लिए। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड, अभी दुनिया से निराश हो चुके हैं, जो एक्वेंटेंस है उनके, जो परिचित लोग हैं या जो उसके कंपेनियंस हैं, जो साथी हैं, उन सब से हेल्प मांग कर वो आप में परेशान हो चुके हैं, तो उन पे आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, तो अब सटायर कर रहे हैं उन पे। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड, दुनिया पे विश्वास करना, इज टू बिल्ड ऑन द सेंड, मिट्टी से महल बनाने जैसा है। बिल्ड ऑन द सेंड का मीनिंग होता है मिट्टी से महल बना लेना। जैसे हम मिट्टी से कोई महल नहीं बना सकते, वैसे ही ये इमेजिनेशन है, केवल कल्पना ही हो सकती है,
ऐसे दुनिया पे विश्वास करना भी एक कल्पना मात्र है। कभी भी विश्वास, पोइट के अकॉर्डिंग कभी भी किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए, और अगर हम किसी पे विश्वास करते हैं तो ये वैसा ही रिजल्ट देगा जैसा कि हम किसी मिट्टी से महल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन एंड माई गुड राइट हैंड। मैं बिलीव करूँगा, ट्रस्ट का मीनिंग होता है विश्वास करना। आई है यहाँ पे आई और विल की शॉर्ट फॉर्म है। मैं ट्रस्ट करूँगा किस पे, बट का मीनिंग है यहाँ पे ओनली, केवल ये एडवर्ब है यहाँ पे। आई विल ट्रस्ट ओनली इन हेवन, मैं केवल ईश्वर में ही विश्वास करूँगा। हेवन का मीनिंग स्वर्ग होता है, जिसका मीनिंग है यहाँ पे गॉड, ईश्वर पे। एंड माई गुड राइट हैंड, और मेरे अच्छे दाहिने हाथ पर। तो यहाँ पे दो ही चीज़ें हैं जिनको वो बिलीव करना चाहता है, एक तो ईश्वर पे और एक अपने हार्डवर्क पे। गुड राइट हैंड का मीनिंग हार्डवर्क है, लेबर है। माई करेज रिवाइव्ड इन माई फॉर्च्यून्स डिस्पाइट, और जैसे ये ट्रस्ट करने वाली बात अपने मन में लाते हैं कि मैं केवल और केवल ईश्वर पे और मेरे हार्डवर्क पे ही बिलीव करूँगा, तो उसका जो साहस होता है उन समस्याओं से लड़ने के लिए वो वापस लौट आता है। रिवाइव का मीनिंग होता है केम बैक, लौट आया। मेरा साहस, करेज का मीनिंग होता है साहस, हिम्मत। मेरी हिम्मत लौट आई इन माई फॉर्च्यून्स डिस्पाइट, मेरी दुर्भाग्य के बावजूद मेरी हिम्मत लौट आई। फॉर्च्यून का मीनिंग वैसे भाग्य होता है, बट यहाँ पे दुर्भाग्य होगा। और डिस्पाइट का मीनिंग होता है इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट, और मेरा हाथ इतना ही मजबूत था जितने कि मेरी आत्मा खुश थी या प्रसन्न थी। लाइट का मीनिंग यहाँ पे है खुश, चेयरफुल या हैप्पी। स्पिरिट मूड, इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, इसने मुझे दुख से ऊपर उठा दिया। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, इसने मुझे दुख से बचा दिया। किस चीज़ ने, वो जो साहस लौट के आया था, इसने इसको दुखों से बचा लिया और इसको उसका जो दर्द था, पेन जो था, उससे उसको बचा लिया। टू रेज का मीनिंग होता है उठाना। तो इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, इसने मुझे, सोरो का मीनिंग होता है दुख, मुझे दुख से उठा दिया, ऊपर उठा दिया। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, और इसने मुझे दर्द से बचा लिया। इट फेड मी, इसने मुझे खाना खिलाया। फेड का मीनिंग होता है टू गिव समथिंग टू ईट, फीड की सेकेंड फॉर्म है। एंड क्लेड मी, और मुझे कपड़े पहनाए। अगेन एंड अगेन, इसने बार बार मुझे खाना खिलाया और मुझे कपड़े पहनाए। मतलब वो ऐसी सिचुएशन में आ गया था, पहले जो सिचुएशन फर्स्ट लाइन में वो बताता है कि वो गरीबी से जूझ रहा था, दुख थे उसके चारों ओर, और उसने जब कंप्लेन करना शुरू कर दी लोगों से, तो कोई भी उसकी हेल्प करने के लिए आगे नहीं आया। परंतु जैसे ही उसने अपने आप पे, अपने साहस पे विश्वास किया, अपने हैंड, राइट हैंड पे विश्वास किया, अपने हार्डवर्क पे और गॉड पे विश्वास किया, तो इन सब चीज़ों ने क्या करना शुरू कर दिया, उसको खाना खिलाना शुरू कर दिया, जो हार्डवर्क कर रहा है उसकी वजह से उसने कपड़े पहनना शुरू कर दिए, और ये काम बार बार होता रहा। द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी केम बैक एवरी वन, जो दोस्त मुझे छोड़कर जा चुके थे वो एक एक कर वापस आ गए। तो लेफ्ट लीव की सेकेंड फॉर्म है, चले जाना। द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी, जो फ्रेंड्स मुझे छोड़कर चले जा चुके थे वो वापस आ गए। एवरी वन का मीनिंग प्रत्येक, उनमें से प्रत्येक वापस आ गए। एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स, डार्केस्ट का मीनिंग होता है सेल्फिश, स्वार्थी। और जो स्वार्थी जो एडवाइजर्स थे, सलाह देने वाले थे, लुक्ड ब्राइट, वो खुश दिखाई दिए। ब्राइट का मीनिंग होता है चीयरफुल या हैप्पी। जो स्वार्थी सलाह देने वाले थे वो खुश दिखाई दिए, इतने खुश जितना कि सूरज, जितना कि सूरज खुश दिखाई देता है उतने ही वो खुश दिखाई दिए। तो यहाँ पे एडवाइजर्स को और सन को कंपेयर किया गया है, और उनके बीच में एज का यूज़ किया गया है। तो एज और लाइक वर्ड यूज़ करते हैं किन्हीं दो अनकॉमन थिंग्स को कंपेयर करने के लिए, तो वहाँ पे सिमिली फिगर ऑफ स्पीच यूज होता है। तो इसमें यहाँ पे सिमिली का यूज़ किया गया है। आई नीड देम नो मोर, अब मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है। एज दे ऑल अंडरस्टैंड, जैसा कि वो सब समझते हैं, जैसा कि वो सब समझते हैं कि जब आवश्यकता थी उस टाइम पे तो वो चले गए थे, अब वापस आ गए, तो अब भी उनको आवश्यकता नहीं है।
जो पॉइंट है उनको, आई थैंक दी, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। दी यहाँ पे यूज किया गया है यू के लिए, यू तुम्हें पहले यूज हुआ करता था और पोएट्री में अभी यूज होता है। आई ट्रस्ट दी, मैं तुम पे विश्वास करता हूँ। आई थैंक यू, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। आई ट्रस्ट दी, मैं तुम्हें तुम पर विश्वास करता हूँ। किस पर? माई गुड राइट हैंड, मेरे अच्छे दाहिने हाथ, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ और मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ। तो यहाँ पे माई गुड राइट हैंड को यहाँ पे संबोधित किया जा रहा है, इसको संबोधन। जब भी हम इंग्लिश में संबोधित करते हैं किसी को तो उसके लिए फिगर ऑफ स्पीच यूज होता है जिसको हम अपोस्ट्रोफी बोलते हैं। तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। तो ये थी पोएम माई गुड राइट हैंड। इसमें अगर हम प्रत्येक स्टेंजा की राइम स्कीम देखें, जो इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम के लिहाज से, हमें क्रिटिकल पॉइंट्स में ये लिखना ही चाहिए। कंप्लेन यहाँ पे ए, और कंप्लेन जैसा ही राइम करने वाला वर्ड दूसरा है वैन, तो ये भी ए हो जाएगा। फिर अलग से दिखाई दे रहा है कोल्ड, जो वैन और कंप्लेन से राइम नहीं हो रहा है, इसको बी मान लेंगे। और कोल्ड जैसा ही दूसरा आगे वाला है गोल्ड, तो ये भी बी हो जाएगा। ऐसे साइड और बिटाइड, इनको ए ए मानेंगे हम। तो ये जो राइम स्कीम होगी वो ए ए, अलग अलग स्टेंजा की देखें तो सैंड और हैंड ये अलग से। तो इस पूरे के पूरे जितने भी स्टेंजाज हैं, इसमें चारों स्टेंजाज हैं, उनकी जो राइम स्कीम है वो ए ए बी बी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।